देखिए हमारे पास जो होता है तीन तरह का प्रोटेक्शन होता है। एक होता है आपका शीट प्रोटेक्शन, सेल प्रोटेक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हर एक सेल की सिक्योरिटी होती है। दूसरा होता है, या शीट प्रोटेक्शन भी कहते हैं उसे, जिसमें एक ही शीट की सिक्योरिटी होती है आपकी। दूसरा होता है वर्कशीट प्रोटेक्शन, वर्कबुक प्रोटेक्शन, जिसमें आपकी फुल फाइल जो है वो प्रोटेक्टेड होती है पूरा। और तीसरा होता है आपका ये फाइल प्रोटेक्शन, जिसमें आप ओपन करने से पहले कोई पासवर्ड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शीट प्रोटेक्शन को या सेल प्रोटेक्शन को। आप कभी भी इसमें देखेंगे हमारी एक एक सेल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखती है। आप देखते हैं कि इसमें फॉन्ट सेटिंग अलग अलग कर सकते हैं आप, हर एक सेल की अलग अलग फॉर्मेटिंग, कलर वगैरह भर सकते हैं। तो इसी तरह प्रोटेक्शन की सेटिंग भी हर सीट के लिए, हर सेल के लिए अलग अलग होती है। तो जब आप इसमें देखेंगे अपना फॉर्मेट सेल वाला बटन जो कंट्रोल वन से खुलता है, या नंबर फॉर्मेटिंग के इसमें क्लिक करेंगे तो भी खुलेगा। लास्ट में इसका ऑप्शन होता है प्रोटेक्शन का। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, लॉक्ड एंड हिडन। लॉक्ड पे हमेशा आपको क्लिक मिलेगा, इसका मतलब है कि आपकी सेल लॉक्ड है, इसकी प्रॉपर्टी लॉक्ड है। एक्चुअली में लॉक्ड एक्चुअल कब होगी, जब राइट क्लिक आप शीट पे करेंगे, प्रोटेक्ट शीट करेंगे, कोई पासवर्ड यहां दे सकते हैं, ठीक है जी, ओके करूंगा, वही पासवर्ड टाइप करूंगा। अब मेरी शीट प्रोटेक्टेड हो गई, अब मैं इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। बाय डिफॉल्ट यही होता है जब भी आप प्रोटेक्शन ट्राई करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जिन शीट पे आपका ये प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टी ऑन रहती है, जिसमें ये आप ऑन रखेंगे, वो सेल आपकी प्रोटेक्टेड रहेंगे, यानी कि लॉक्ड रहेंगे। तो अब एक चीज देखते हैं कि जैसे हम बाकी सारी शीट लॉक करना चाहते हैं और एक स्पेसिफिक एरिया, ये वाला एरिया लॉक नहीं करना चाहते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वन करूंगा और यहाँ से लॉक हटाना है, ठीक है जी, ओके कर दिया मैंने। देन अब मैं प्रोटेक्ट शीट कर रहा हूँ, कोई भी पासवर्ड डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी चाहते हैं तो पासवर्ड डाल दीजिए, खुद चेक करना चाहते हैं तो ना भी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शीट आपकी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो अब मैं जहां जब भी यहाँ कोई भी बटन दबाता हूँ तो ये एरर आती है, बट जो एरिया मैंने अनप्रोटेक्टेड रखा है उस पर मैं टाइप कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये था थोड़ा सा हमारा सेल प्रोटेक्शन हमने किया इसमें। अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए क्या करना है मुझे, कुछ एरिया प्रोटेक्टेड रखना है और बाकी सब जगह एंट्री कर सकूं। अब मुझे क्या करना है, ये एरिया स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड रखना है और बाकी शीट में कहीं भी प्रोटेक्शन नहीं रखनी। तो बाय डिफॉल्ट हम देख रहे हैं कि सारी की सारी शीट जब मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये लॉक्ड है, इसको यहां से अनचेक करके ओके कर देता हूं। तो पहला क्या हुआ, मेरी सारी सेल जो है अब अनलॉक्ड हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इनको लॉक करना है वापस से, सिलेक्ट करके लॉक कर दिया, ठीक है जी। अब क्या हुआ, जब मैं प्रोटेक्ट करता हूँ शीट को तो अब मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ कहीं भी, पर यहां जब एंट्री करना चाहूं तो ये एरर देगा। बेसिकली आपके सेल प्रोटेक्शन में यही होता है, इसको आप जब भी जैसे फॉर्म वगैरह बनाएंगे, आप मान लीजिए आपने एक्सेल को पूरा सॉफ्टवेयर में तब्दील कर दिया, उस टाइम आप चाहेंगे कि आपका फॉर्मेट बिगड़े ना, तो जैसे आप ये नेम एंटर करना चाह रहे हैं या सिटी एंटर करना चाह रहे हैं, यहाँ आपने कह दिया मोबाइल, तो आपने इस तरह से तीन वो बनाए, तीन फील्ड बनाया, एक बटन दे दिया, आप चाह रहे हैं कि और किसी में कुछ भी ना छेड़ पाए, बस इन तीनों में एंट्री होनी चाहिए। तो मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करते हैं, जैसे पहले मैंने एक ही सेल सिलेक्ट की, अब कंट्रोल का बटन दबाया, देन दूसरा सिलेक्ट किया, देन तीसरा, तो मेरा जो सिलेक्शन है वो मल्टीपल हो गया। पहले मैंने D2 सिलेक्ट किया, D4 एंड D6 ये वाली। अब मैं क्या करूंगा, इनको करके कंट्रोल वन करके इनको अनलॉक्ड छोड़ूंगा,
तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे सारी सेल लॉक करनी पड़ेगी। कंट्रोल वन जाके सारी सेल मैंने लॉक कर दी, एंड देन अब मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करके सिर्फ इन तीन सेल को अनलॉक कर रहा हूँ। और जब मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा, प्रोटेक्ट शीट करूँगा, तब हमारे सामने क्या रिजल्ट आएगा, हम और कहीं एंट्री नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यहीं एंट्री कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मान लीजिए तो यही एंट्री कर पाएंगे थे। तो इस तरह से हम फॉर्म्स वगैरह भी बनाते हैं। बाकी अब एक चीज है हमारे पास, अब देखिए ये मेरा एरिया तो लॉक्ड है, मैंने बाहर का एरिया लॉक्ड रखा है, मैं इसमें एंट्री नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, बट मैं इसे कॉपी तो कर सकता हूँ, अलग जगह जाके पेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये एरिया कॉपी नहीं, कॉपी भी ना हो, लॉक्ड वाला एरिया कॉपी ना हो, तो इसके लिए पहली चीज क्या है कॉपी करने के लिए, हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है, पर कॉपी करने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए होती है सिलेक्शन। अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो कॉपी भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जब मैं इसको राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखते हैं। ये ऑप्शन है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल, फॉर्मेट सेल, मतलब ये वो काम है, अगर आप इन पे चेक कर देंगे तो आप ये कर पाएंगे प्रोटेक्शन के दौरान। तो मैंने जैसा कि कहा कि मुझे जो है लॉक्ड सेल पे सिलेक्शन भी नहीं देना है, तो मैंने क्या है पहला ऑप्शन ही देख रहा हूँ सिलेक्ट लॉक्ड सेल, मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ बट ये सिलेक्शन लेगा नहीं। सिलेक्शन कहाँ लेगा, यहाँ लेगा, यहाँ लेगा, यहाँ लेगा। हालांकि एंटर प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्टली जंप करेगा उसके ऊपर, तो मैं अगर इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता तो कॉपी भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो यहाँ के जो आप उसको अपने सॉफ्टवेयर को एक रियल लुक दे सकते हैं, इसके थ्रू काफी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इसमें। देन बात करते हैं, अब हम यहाँ पे प्रोटेक्शन देना सीख गए। यही सारे ऑप्शन आपके रिव्यू टैब में होते हैं प्रोटेक्शन के, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो जो भी मैंने यहाँ चेंजेस किया या प्रोटेक्शन की, वो सिर्फ इस शीट के लिए थी। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूं कि यहां तो ठीक है मैंने एंट्री करवाना चाहा, अब मेरे पास मान लीजिए दो यूजर हैं और मैंने एक फॉर्म बनाया, और यहां पे कर दिया, अब मैंने कहा कि अप्रूव्ड यस और नो, यहाँ पे मुझे एंट्री चाहिए यस और नो में, बट मैंने कहा ये एंट्री जो करेगा वो मैनेजर करेगा, बाकी ये यूजर करेगा, जो ये एंट्री है वो एक यूजर करेगा। ये एंट्री की यूजर ने, और यहां पे मुझे चाहिए कि ये एंट्री जो करे वो मैनेजर करे। ठीक है जी, मैं चाहता हूं शीट सेम ही हो पर ये एंट्री जो है मैनेजर करे, यहां पे यस और नो। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अगर हम प्रोटेक्ट करके भेजते हैं तो यहां तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पहले मैं इसे अनलॉक कर लेता हूं। ठीक है जी, अब एक्सेप्ट इनके, बाकी सारी हमारी सेल लॉग है। अब हमें चाहिए यूजर लेवल प्रोटेक्शन, कि हम इसमें यूजर डिफाइन कर सकें कि अलग अलग बंदे इस चीज को एक्सेस कर पाए। तो सबसे बड़ी चीज मैंने क्या किया, इधर पासवर्ड दे दिया इन तीनों में, मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, रिव्यू में गया, और यहां पे एक ऑप्शन है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। ठीक है जी, न्यू किया मैंने, रेंज इसमें आ गई अपने आप। अब मैंने कह दिया कि ये रेंज जो है वो यूजर वन की है,
और इसका पासवर्ड यूजर वन के लिए मैंने दे दिया एबीसी, ठीक है जी, ओके कर दिया, दोबारा पासवर्ड एबीसी, ठीक है जी। अब मुझे परमिशन जो चाहिए वो मैनेजर के लिए इस फील्ड में चाहिए D8 में, तो न्यू किया मैंने और यहाँ पे मैनेजर टाइप कर दिया, और यहाँ से जो मैंने रेफरेंस लिया वो इसका लिया खाली, और यहाँ पार्ट टाइप कर लिया मैंने 123, 123 पासवर्ड दिया, ठीक है जी, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया एंड देन प्रोटेक्ट कर दिया शीट को। हाँ जी, बट एक चीज और कि जब इस तरह की प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं तो ये वाली सेल भी लॉक्ड ही होनी चाहिए, जब यूजर लेवल प्रोटेक्शन जब ही काम करेगा जब ये सेल लॉक्ड होंगे, तो मैंने इनको भी सबको ही लॉक कर दिया और अब कर दिया मैंने प्रोटेक्ट। और इसमें मैंने क्या करना था, प्रोटेक्ट करते वक्त ये वाला सिलेक्ट लॉक सेल का खोलना है, ठीक है जी। यहाँ हम दो काम एक साथ नहीं कर पाएंगे, हम ये वाले सिलेक्शन हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली ये भी लॉक्ड ही सेल है, तो सिलेक्शन तो देना पड़ेगा। देन अब क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री करने चलता हूँ ये मेरे से पासवर्ड मांग लेता है, तो पासवर्ड मैंने दिया था ABC, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे वो डाल देता हूँ नंबर, और यहाँ पे कोई और नंबर, तो ये तीन मैंने कर ली। अब अप्रूवल के लिए यही शीट गई मैनेजर पे, तो मैनेजर ने क्या किया, जैसे ही किया उससे फिर पासवर्ड मांग लिया उसने, तो यहाँ दिया था मैंने 123, जब मैंने ये पासवर्ड डाला तब एंट्री कर पाऊँगा, ठीक है जी। तो आप एक जैसे बड़ी कंपनी में अगर काम करते हैं, कोई रिपोर्ट वाले फॉर्म या अप्रेजल फॉर्म इस तरह के बनते हैं आपके में, KRA बनता है जिसमें दो तीन लेवल की वो चाहिए होती है, मतलब बीच में आप प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं इस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी, ताकि और कोई उन फील्ड में एंटर ना कर पाए, तो उस केस में हम ये अलाउ यूजर टू एडिट रेंज यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया शीट प्रोटेक्शन और यूजर लेवल प्रोटेक्शन, देन आपके चलते हैं वर्कबुक प्रोटेक्शन पे, प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब वर्कबुक में क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, स्ट्रक्चर एंड विंडोज। तो जब हम स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर्स मींस कि कितनी शीटें हैं, आप शीट इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, रिनेम नहीं कर सकते, मूव नहीं करा सकते, टैब कलर नहीं चेंज कर सकते, हाइड एंड हाइड नहीं कर सकते। तो आपका एक तरह से स्ट्रक्चर जो है फिक्स हो जाता है, आप ये चेंजेस उसमें नहीं कर पाएंगे शीट इंसर्शन और डिलीशन के। देन आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने जब वहां से ये जो साइन दबाया है, माइनस का साइन लगाया, ये फाइल यहाँ आ गई, ठीक है जी। आप चाहते हैं कि ये जो तीन साइन है, मतलब एक फाइल में इससे एक से ज्यादा फाइल ना खोल पाए, या एक्सेल में हम ऐसी प्रोटेक्शन लगाएं कि ये तीन बटन गायब हो जाए ताकि इसको ऐसे डाउन ना कर पाए, तो वो सेकेंड ऑप्शन उसके लिए है प्रोटेक्ट वर्कबुक का विंडोज वाला। तो ये आपके तीन बटन गायब हो गए, अब आप उसको वर्कबुक अलग से नहीं देख सकते, ठीक है जी। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक इस तरह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइल प्रोटेक्शन, कि हम चाहते हैं कि यूजर जो है, या तो कितना भी लॉक लगा ले, यूजर डाटा तो देख ही रहा है कि अंदर है क्या। जब आपकी क्रेडिट कार्ड वगैरह की स्टेटमेंट आती होगी तो उसमें पासवर्ड डाल के ही खोल पाते हो, तो उस तरह का पासवर्ड कहाँ से लगेगा। जब आप फाइल को सेव कर रहे हैं या सेव एज कर रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ बुक वन के नाम से, यहाँ पे हमारा सब इधर होता है टूल्स, टूल्स में जाएंगे, जनरल ऑप्शन पे जाएंगे, देन आपका है पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई,
तो मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ, दोबारा पासवर्ड कंफर्म पूछता है, ठीक है जी। देन इसको प्रोटेक्शन के नाम से सेव कर देता हूँ। अब जब ये मैंने फाइल बंद कर दी है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, क्या आता है, ये मेरे से पासवर्ड पूछता है। तो ये सेव एज करते हुए टूल्स में जनरल ऑप्शन में आपको डालना पड़ता है, दो पासवर्ड पूछेगा तब जाके मुझे डाटा दिखाएगा। अब मान लीजिए ये तो पहले से सेव्ड, ये नई फाइल थी हमने सेव करी, ठीक है जी। अब ऐसी फाइल का पासवर्ड चेंज करना है जो कि सेव नहीं है, जो कि सेव नहीं है, मतलब पहले से सेव है, तो आपका या तो उसकी नई कॉपी करें सेव, तो बात बनेगी। अदरवाइज उसी फाइल में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे प्रिपेयर में चले जाएंगे, ऑफिस बटन में, देन आपके पास है एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जो हमने पासवर्ड दिया था वो यहाँ दिखा रहा है, हटाना चाहते हैं हटा दीजिए। तो पासवर्ड टू मॉडिफाई ये अभी भी पूछेगा, मतलब एक आपने ओपन का पूछा है, ये मॉडिफाई वाला फिर ये आपसे हटेगा नहीं, ठीक है जी। मतलब सेव्ड फाइल में अगर आपको पासवर्ड डालना है तो आप प्रिपेयर में जाएंगे, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पासवर्ड डाल देंगे, पर आपका जो दूसरा पासवर्ड टू मॉडिफाई पड़ा था वो पड़ा ही रहेगा, वो एक बार डाल दिया आपने चला गया, वो सेव करते टाइम ही डालता, उसके बाद फिर नहीं चेंज होता, ठीक है जी। तो ये था आपका फाइल, आपका टोटल प्रोटेक्शन का, किस कितने तरह की प्रोटेक्शन होती है हमारे में और किस किस तरह से वर्क करती है। देन उसके बाद चलते हैं डेटा वैलिडेशन देखते हैं। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने कराया था आप लोगों को, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या था कि कुछ रूल्स थे उनके बेस पे ये, देखिए शेयर वर्कशीट आपके मतलब का है नहीं, ये आपका जो जैसे अलग अलग यूजर होते हैं ना सेम, उस पे अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर सेम टाइम दिस अलाउज टू वर्कबुक मर्जिंग, ये आपकी फाइल बिगड़ने का खतरा रहता है। जैसे मतलब एक ही कंप्यूटर पे दो यूजर तो कर नहीं रहे, और सर्वर पे आप एक्सेल डालने वाले नहीं, तो उससे रिलेटेड ऑप्शन है जो कि वाहियात है एकदम। अगर आप एक बार से ज़्यादा इसको यूजर देंगे तो पता चले आपने जो डेटा बनाया दूसरे ने उसी टाइम चेंज किया, तो बीच में डेडलॉक्स लग जाएंगे, तो उसको ना ही छेड़े तो वो बेटर रहेगा। देन हम कह रहे थे, बात कर रहे थे डेटा वैलिडेशन के बारे में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने बताया आपको कि हमारे पास कुछ ऐसे रूल होते हैं जो हम फॉर्मूले के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें इसमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो ट्रू रिटर्न करता हो, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है किसी कंडीशन के बेस पे फॉर्मेट करने के लिए, और डेटा वैलिडेशन है कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पे हमने अपना डेटा किसी सेल पे कोई रूल सेट कर दिया, अब उस रूल से आगे उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो हम डेटा टाइप में डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ पे अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू लेगा इसके अंदर, अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। देन आपके पास आता है होल नंबर, होल नंबर में आपके पास कुछ लॉजिकल फंक्शन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अच्छा मैं बिटवीन यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 10 से 20 तक की वैल्यू हो तो ले, अदरवाइज एक्सेप्ट ही ना करें। तो मैं इसमें 9 अगर डालना चाहूंगा तो ये एरर दिखाएगा, 10 डालता हूं तो ले लेता है, ठीक है जी। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन सेट हो गई, बट आप देखिए कि 10.23 डाल रहा हूं नहीं लेगा, क्योंकि वो होल नंबर, इसमें ये होल नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं चेंज करता हूं डेसिमल पे।
तो डेसिमल पे अगर मैंने चेंज कर दिया तो क्या करेगा, अब ये ले लेगा, बट आपका सेम रूल वही रहेगा, 10 से बीच 20 के बीच की वैल्यू, ठीक है जी। देन इसके पास अगला ऑप्शन है इसमें लिस्ट। अब लिस्ट में क्या होता है कि जैसे आपके पास आपको कुछ लिस्ट डालनी है कि इसी लिस्ट से एंट्री हो और कोई ना हो, तो हम लिस्ट में क्या डालेंगे, यहाँ से लिस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हम वो सोर्स डाल देंगे उसका, जैसे मैंने कहा कि पहला संदीप ले ले, देन प्रदीप ले ले, देन सुजीत ले ले, तो तीन लिस्ट में डाल दे, इसके अलावा कुछ और नहीं एंटर होना चाहिए। तो मैं कुछ और डालने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं लेता, बट ये ड्रॉप डाउन में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो चलेगा, ठीक है जी, वो लिस्ट आपकी ड्रॉप डाउन में आ गई। लिस्ट का यूज हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देन इसमें देखते हैं हमारे पास है डेट, कोई पर्टिकुलर डेट डाल सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, जैसा हमने नंबर्स के साथ किया था वैसा ही डेट के साथ लॉजिकल ऑप्शंस अवेलेबल है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जैसी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे वैसी लगा सकते हैं। देन उसके बाद टाइम है, टाइम का भी सेम है, टेक्स्ट लेंथ है, टेक्स्ट लेंथ क्या करते हैं हम, अब जैसे हमने मान लीजिए मोबाइल नंबर डालना है, अब वो होता 10 नंबर का है, ठीक है, 10 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे मैं लेंथ दे दूंगा, टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10। अब मैं क्या करूंगा, 97, 11, 800, 392, ठीक डल गया, बट इसमें अगर कम डालेंगे तो प्रॉब्लम है, इसमें अगर ज्यादा डालेंगे तो प्रॉब्लम है, 10 का मतलब 10, ठीक है जी, तो 10 तक ये टैक्स ले रहा है। देन इसके बाद है कस्टम। अब कस्टम में एक चीज आती है, अब देखिए यहां पे मैंने मोबाइल नंबर डलवा तो दिए, मोबाइल नंबर डलवा दिया मैंने, पर क्या है कि मैं यहां पे अगर कोई टेक्स्ट डाल देता हूं 10 डिजिट का तो भी ले लेता है, और जबकि होना क्या चाहिए कि यहां नंबर, सिर्फ नंबर पढ़ना चाहिए और 10 डिजिट का पढ़ना चाहिए, तो यहां पे जो काम आता है हमारा कस्टम आता है, और कस्टम के अंदर हम क्या देते हैं, फॉर्मूले देते हैं, फॉर्मूले देते हैं कि अब देखिए मुझे वो चीज अलाउ करानी है, मान लीजिए ये सेल है, इसमें मेरे दो फॉर्मूले लगेंगे, पहला तो लेंथ जो है इसकी, लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है जो टेक्स्ट की लेंथ बताता है इसके अंदर क्या है, और लॉजिकल जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो इससे करते हैं, तो मैंने कहा कि लेंथ इक्वल टू 10, ट्रू है फॉल्स है, जैसे ही इसमें 10 डिजिट का पड़ेगा ये ट्रू दिखाएगा, ठीक है जी। दूसरा अब मुझे रखना है कि टेक्स्ट ही रहे, मतलब नंबर ही रहे, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है इज नंबर, इज नंबर मैंने चेक किया, ये दोनों ट्रू है तो मेरी मतलब कंडीशन ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एंड के फॉर्मूला में ये दोनों कंडीशन दे देंगे, एक एंड का फॉर्मूला लगाना है इसके पास। देखिए फॉर्मूलों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, अभी मैं आपको खाली बना के दिखा रहा हूं कि मैं ये कैसे करूंगा। तो अब मेरा फॉर्मूला बन गया, अब देखिए काम कैसे कर रहा है, इसमें मैं अगर कोई टेक्स्ट डालता हूं 10 डिजिट का तो ये फॉल्स दिखाएगा, नंबर डालूंगा और 10 डिजिट का डालूंगा तो ट्रू दिखाएगा, 10 से कम में अगर नंबर होगा तो फॉल्स दिखाएगा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, मैंने क्या किया इस फॉर्मूले को कॉपी किया, यहां पे गया, सिलेक्ट की मैंने सेल, डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन,
और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके पर इसमें जो है ये क्राइटेरिया के ट्रू होने पे वैलिडेशन लग जाती है, तो मैं इसको क्या करना चाहिए कि जब ये फॉल्स हो तो एक नॉट का फॉर्मूला और डाल देता हूँ। इसको मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले चेक करते हैं, इक्वल टू 10 होना चाहिए, लेन इक्वल टू 10, ये कैसा चलता है, ये नहीं ले रहा, नॉट इक्वल टू 10,